हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमडी हेल्प ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के जो स्टूडेंट है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके जो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको बताया, ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है वो कल था। ठीक है दोस्तों, टाइमिंग क्या थी जो आपके पेपर की, 2 घंटे का आपका पेपर था, 60 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है दोस्तों, नोट में क्या लिखा है कि नहीं, 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। टोटल आपको 4 क्वेश्चन करने थे। ठीक है दोस्तों, टोटल आपके मैं दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन थे। टोटल इसमें 9 क्वेश्चन थे, 9 में से आपको 4 क्वेश्चन करने थे। 2 घंटे का आपका टाइम था, 60 नंबर का पेपर था। ठीक, जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश है, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, बाबर रोतराई, अरावली पर्वत श्रेणी, पश्चिमी विभोग से जनसंख्या की धनात्मक वैरियात्मक वृद्धि, उत्प्रवास तथा अपवास लो, ऐसे कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पेपर में वो देख रहे हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा, भारत को मुख्य धरातलीय विभागों में विभक्त कीजिए तथा किसी एक धरातलीय प्रदेश का विस्तृत वर्णन कीजिए, आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप थर्ड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया फोर्थ क्वेश्चन में। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या के घनत्वों में क्या अंतर है, भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रवास क्या होता है, भारत में प्रवास के कारणों और परिणामों की विस्तृत विवेचना कीजिए। अब हम छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, छठे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं तथा इनके प्रकारों को निर्धारित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। जो आपका सातवां क्वेश्चन रहेगा वो देख लेते हैं क्या दिया गया है सातवें क्वेश्चन के अंदर। ये आपका सातवां क्वेश्चन है, गेहूं अथवा कपास की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके उत्पादन वितरण और व्यापार का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका सातवां क्वेश्चन है। ये आपका आठवां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दोष या समस्याएं बताइए तथा इसके स्थायित्व के लिए उपाय सुझाइए। जो आपका नौवां क्वेश्चन रहेगा, भारत में विभिन्न उद्योगों के उदाहरण देकर उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, 9 क्वेश्चन आपके जो ग्रोफी का क्वेश्चन पेपर, उसमें टोटल आपके 9 क्वेश्चन है, 9 में से आपको 4 करने थे। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे का आपका पेपर था, 60 नंबर का आपका पेपर था। इस वीडियो में हम चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के जो स्टूडेंट है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एमडी हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जब भी आपका नेक्स्ट पेपर होगा उससे अगले दिन आपको उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।